डियर स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक दैट इज़ पॉइंटर इन दिस टूडे वी विल स्टडी अबाउट नल पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स नल मीन्स नथिंग ए नल पॉइंटर इज़ ए पॉइंटर डेट डज नॉट पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं करता है आपने देखा कि हमने इंटीजर पॉइंटर्स बनाए हमने करेक्टर पॉइंटर्स बनाए हमने वॉइड पॉइंटर्स बनाए वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को शो कर रहे होते हैं बट एक नल पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होता है जो कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को शो नहीं करता है नल पॉइंटर बेसिकली हम कह सकते हैं एक बेस एड्रेस को स्टोर करता है किसी भी सेगमेंट के द नल पॉइंटर बेसिकली स्टोर द नल वैल्यू वाइल वॉइड इज़ द टाइप ऑफ द पॉइंटर देखिए नल पॉइंटर बेसिकली नल वैल्यू को स्टोर करता है बट यहाँ पे नल और वाइट से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है नल मीन्स नथिंग होता है और जो हम वाइट पॉइंटर्स बनाते हैं वो इस तरीके के पॉइंटर्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके के पॉइंटर्स चाहे वो एंटीजर के हों कैरेक्टर के हों फ्लोट के हैं उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं ये नल पॉइंटर बेसिकली एक स्पेशल वैल्यू होती है ए नल पॉइंटर इज़ ए स्पेशल रिजर्व्ड वैल्यू विच इज़ डिफ़ाइंड इन स्टैंडर्ड डेफिनेशन फाइल हमारे पास में एक हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन फाइल्स होती है जिसमें हमारे पास में नल वैल्यू शो की गई है नल पॉइंटर शो किए गए हैं वाइट पॉइंटर शो किए गए हैं जिसका कि हम यूनिवर्सल यूज़ कर सकते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स फंक्शंस इस फाइल्स में डिफ़ाइन हैं स्टूडेंट्स नल मीन्स डेट द पॉइंटर इज़ रिफरिंग टू द जीरो मेमोरी लोकेशन सिंपल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा नल पॉइंटर है वो हमें जीरो मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करता है यानी वहाँ पे कोई भी मेमोरी लोकेशन नहीं है आपने देखा होगा कि हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स में अगर हम वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं उनको हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास में कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आ जाती है तो बेसिकली पॉइंटर जो होता है वो किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो हमारे पास में डिज़ायर्ड आउटपुट आए हमारे पास में कहीं पर भी कोई एम्ब्यूगिटी ना आए इसलिए अगर आप पॉइंटर को कोई एड्रेस असाइन नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे हम नल असाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स इफ़ वी डू नॉट हैव एनी एड्रेस विच इज़ असाइन टू द पॉइंटर देन इट इज़ नोन एज नल पॉइंटर हम हम पॉइंटर को क्रिएट करेंगे पॉइंटों को क्रिएट करने के बाद में अगर हम कोई एड्रेस को असाइन नहीं करते हैं तो इस तरीके के जो पॉइंटर्स होंगे वो हमारे नल पॉइंटर कहलाएंगे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वेन ए नल पॉइंटर इज असाइन टू द पॉइंटर जब नल वैल्यू को हम किसी पॉइंटर को असाइन करते हैं तो वो हमारा नल पॉइंटर कहलाता है नल पॉइंटर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं एप्लीकेशंस ऑफ नल पॉइंटर पॉइंट नंबर वन इट इज़ यूज टू इनिशलाइज ए पॉइंटर वेरिएबल वैन द पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू द वैलिड मेमोरी एड्रेस इसका जो बेसिक यूज़ होता है वो पॉइंटर वेरिएबल को इनिशलाइज़ करने के काम में आता है हमारे पास में जब हम ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं जो कि किसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होता है स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि जब भी हम सी में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो हमारे पास में वहाँ पर एक एरर आती है कि यू हैव डिफाइंड ए वेरिएबल डैट इज़ नॉट इनिशलाइज या फिर आप अगर उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लिख के आता है यू हैव यूज ए वेरिएबल डैट इज़ नॉट असाइंड एनी वैल्यू तो हमारे पास में ऐसी एरर ना आए इसके लिए हम पॉइंटर्स के केस में पॉइंटर को नल वैल्यू से असाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स नल पॉइंटर का यूज़ एरर हैंडलिंग में भी होता है इट इज़ यूज टू परफॉर्म एरर हैंडलिंग विद पॉइंटर्स बिफोर डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर पॉइंटर्स को डी रेफरेंस करने से पहले हम पॉइंटर्स में अगर कोई एरर आ रही होती है तो उसको हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नल पॉइंटर स्टूडेंट्स इट इज पास्ट एस ए फंक्शन आर्गूमेंट एंड टू रिटर्न फ्रॉम ए फंक्शन वेन वी डू नॉट वॉन्ट टू पास द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम एक्चुअल एड्रेस को पास नहीं करना चाहते हैं किसी भी मेमोरी के तो उस केस में हम फंक्शन आर्गूमेंट आपको बताया गया था कि फ़ंक्शन जो होते हैं उनके पास में दो तरीके के आर्गूमेंट होते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट फॉर्मल आर्गूमेंट्स तो जो हमारे पास में फंक्शन अगर हम क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम अगर ऐसे पॉइंटर्स को क्रिएट कर रहे हैं जैसे वॉइड पॉइंटर्स होते हैं तो उन केस में हम वहाँ पे नल वैल्यू को पास करते हैं और नल पॉइंटर्स जो होते हैं वो हमारे फंक्शन आर्गूमेंट में पास करने के काम में आते हैं तो इसके तीन एप्लीकेशन हो गए एक तो हम जब कोई पॉइंटर वैलिड मेमोरी एड्रेस को शो नहीं कर रहा होगा तो हम उसको नल पॉइंटर से असाइन कर देंगे दूसरा एरर हैंडलिंग के काम में नल पॉइंटर्स का यूज़ होता है तीसरा फंक्शन आर्गूमेंट्स में हम इसको पास कर सकते हैं नल पॉइंटर्स को अगर हम किसी एक्चुअल मेमोरी एड्रेस को पास नहीं करना चाहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि हम किस तरीके से नल का असाइनमेंट करेंगे देखिए हमने यहाँ पे ज़ीरो लिखा अब पहले इसको आपको इंटीज़र पॉइंटर में कन्वर्ट करना होगा तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया टाइप कास्टिंग कर दी इसी तरीके से हमने यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर क्रिएट किया करेक्टर पॉइंटर क्रिएट किया डबल पॉइंटर क्रिएट किया करेक्टर पॉइंटर क्रिएट किया देखिए ये जो हमने लिखा है ये भी हमारा क्या है ये क्रैक्टर वैल्यू है ये नल शो होता है बाई डिफ़ॉल्ट और इंटीज़र के, के केस में हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब हम कुछ ऐसे सिचुएशंस देखते हैं जिसमें कि हम नल पॉइंटर का यूज़ करेंगे सिचुएशंस वेर वी नीड टू यूज़ द नल पॉइंटर सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम मेमोरी एड्रेस को किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को असाइन नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम नल पॉइंटर का यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया है सबसे पहले हमने क्या किया एक एंटीज़र वेरिएबल दैट इज़ एक पॉइंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया जो कि इंटीज़र टाइप का है जिसमें कि हम इंटीज़र वेरिएबल के एड्रेस को सेव कर सकते हैं ये पॉइंटर इंटीज़र टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को शो करेगा तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस प्रिंट किया है पॉइंटर का क्योंकि पॉइंटर के पास में किसी न के वेरिएबल का एड्रेस होता है और यहाँ पर हमने क्या सबसे पहले हमने क्या, क्या किया एक इंटीज़र वेरिएबल दैट इज़ एक पॉइंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया जो कि इंटीज़र टाइप का है जिसमें कि हम इंटीज़र वेरिएबल के एड्रेस को सेव कर सकते हैं ये पॉइंटर इंटीज़र टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को शो करेगा तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस प्रिंट किया है पॉइंटर का क्योंकि पॉइंटर के पास में किसी ना वेरिएबल का एड्रेस होता है और यहाँ पर हमने क्या किया है वैल्यू प्रिंट की है नाउ स्टूडेंट्स अब आप इसको देखिए ये प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ पॉइंटर और यहाँ पे हम इसको डी रिफरेंस कर रहे हैं इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास में कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा डी रिफरेंसिंग के काम में आता है लेटरस ऑपरेटर ये हमारा रेफरेंस ऑपरेटर होता है तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में कोई भी वेरिएबल का एड्रेस नहीं है इट मीन्स हम यहाँ पर इलीगल पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे नल पॉइंटर को यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे तो आपके पास में कंपाइलेशन एरर आएगी प्लस आपका डिज़ायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट्स अब इस सिचुएशन को हम अवॉइड कैसे करें इस सिचुएशन को हम कैसे सही करें तो देखिए अब हम इस कोड को दोबारा रीराइट करेंगे कुछ इस कोड में मॉडिफिकेशनस करेंगे जिसकी हेल्प से आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं तो देखिए हमने क्या किया दोबारा रीराइट किया हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया इस पॉइंटर में हमने क्या लिखा नल वैल्यू को असाइन कर दिया एक्चुअल में हम करते क्या हैं हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में एस्ट्रिक पी लिखा और पी में हमने एड्रेस ऑफ ए सेव कर दिया तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से यहाँ तक सही है बट अगर आप के पास में कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसका कि एड्रेस हम पॉइंटर को दे सकें तो वहाँ पे आप नल शो कर सकते हैं अब यहाँ पे इफ़ पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नगर नल अगर पॉइंटर नल नहीं है तो आप इस पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए और अगर ऐसा है कि पॉइंटर नल है तो हम लिख सकते हैं ये क्या है एक इनवैलिड पॉइंटर है तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम नल पॉइंटर का यूज़ करेंगे मींस आप जब कोई मेमोरी एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल को असाइन नहीं करना चाहते हो तो आप वहां पे नल पॉइंटर का यूज़ करोगे स्टूडेंट्स इसके बाद में हम कह सकते हैं जो हमारा सेकंड सिचुएशन है नल पॉइंटर कैन बी यूज इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नल पॉइंटर का जो यूज़ होता है वो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में करते हैं हमारे पास में मैलक फंक्शन होता है कैलक फंक्शन होता है रियलग फंक्शन होता है अभी आगे जाके आप स्टडी करेंगे डायनमिक मेमोरी एलोकेशन तो उसमें हम वहाँ पर नल पॉइंटर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है मेलक फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी मेलक फंक्शन जो होता है मेमोरी को एलोकेट करता है इफ़ मेलक फंक्शन इज़ नॉट एबल टू एलोकेट द मेमोरी अगर मैलक फंक्शन मेमोरी को एलोकेट नहीं कर सकता है तो हम वहाँ पे हम क्या कर देते हैं नल पॉइंटर को रिटर्न करके दिखा देते हैं नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं इस मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया एक इंटीज़र पॉइंटर क्रिएट किया एक पॉइंटर वेरिएबल हमने क्रिएट किया अब देखिए जो हमारा मैलक फंक्शन होता है उस मैलक फंक्शन का सिंटेक्स बेसिकली क्या है कि मैलक और ब्रैकेट के इनसाइड हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इंटीज़र की ब्लॉक हमें एलोकेट करने हैं तो इंटीज़र कितना है टू बाइट्स का होता है तो फोर मल्टीप्लाइड बाई टू डेट इज़ इक्वल टू एट बाइट्स ये हमारा केबल और केबल किसके लिए है आ, हम कह सकते हैं ये हमारा थर्टी टू बिट के लिए है इंटीजर में थर्टी टू बिट के लिए टू बाइट्स एलोकेट होते हैं और सिक्सटी फोर बिट के लिए फ़ोर बाइट्स एलोकेट होते हैं बट मैलक फंक्शन जो होता है वो हमारा वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा टाइपकास्ट करना पड़ेगा हमने टाइप कास्ट कर दिया इफ़ पॉइंटर इज़ इक्वल टू इक्वल टू नल अगर पॉइंटर की वैल्यू नल है तो हम कह सकते हैं मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड मेमोरी का एलोकेशन नहीं हुआ अगर मेमोरी प्रॉपर्ली एलोकेट हो जाएगी मेलर फंक्शन की हेल्प से तो यहाँ पर हमारे पास में पॉइंटर के पास में पर्टिकुलर ब्लॉक्स आ जाएंगे जिनको कि वो पॉइंट आउट करेगा और अगर नल आता है तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है एल्स मेमोरी इज एलोकेटेड स्टूडेंट्स होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच